हे गाइस, मैं हूँ नितेश। मैं ओपन साइंस फोरम का फाउंडर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। राइट, सो बिफोर कि हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रेशर क्या होता है। ये जो सुबह आने वाला प्रेशर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेशर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मान लीजिए कि आपने गैस के पार्टिकल्स किसी कंटेनर में रखे हैं, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार रैंडम मोशन में होते हैं। राइट, उनको ऑब्वियसली दिखाई नहीं देता उनके रास्ते में क्या आता है, लेकिन अगर उनके रास्ते में कुछ भी आता है तो डेफिनेटली वो उससे टकराएंगे। तो ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जब उनके रास्ते में आने वाले कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, तो उन दीवारों पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और ये जो प्रेशर फील होता है, ये जो फोर्स जो है दीवारों पर लगता है, उसी को हम उस गैस का प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर जो है, हम बोल सकते हैं, इज़ अ फंक्शन ऑफ कोलिजन। यानी जितने ज़्यादा गैस के पार्टिकल दीवार से टकराएंगे, उतना ही ज़्यादा उस गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा। जितने ज़्यादा टक्कर, उतनी ज़्यादा जो है प्रेशर। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो कुछ भी करके अगर आप कोलिजन बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। एक सिंपल सी चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। राइट, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल सा है कि मान लीजिए कंटेनर में आपने ऑक्सीजन को लिया हुआ है। ये जो सारे पार्टिकल्स आप देख रहे हो, वो किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो ये जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली ये सारे रैंडम मोशन में होंगे, तो ये जो है कंटेनर है उसकी दीवार से टकराएंगे, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो पूरी तरह से प्रेशर होगा ऑक्सीजन का। उसी तरह से दूसरे कंटेनर में आपने नाइट्रोजन लिया हुआ है, तो नाइट्रोजन के भी पार्टिकल्स दीवार से टकराएंगे, और वो टकराने पर जो है फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और ये जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का। अब इन्हीं दोनों गैसेस को जब आप वैसे ही किसी सेम कंटेनर के अंदर मिक्स कर देते हो, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो इन्हीं दोनों के प्रेशर को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है, वही वैल्यू आएगी। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप दो गैसेस को मिक्स करते हो, तो उनके जो प्रेशर है वो सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 159 था और ये 593 था, जब दोनों को मिक्स किया तो सीधा आंसर क्या आ गया, 752। सीधा सीधा जो है दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया, प्लस कर दिया गया। दैट इज़ नथिंग बट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सोचने जैसी बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप याद करोगे, काइनेटिक मॉलिकुलर थियरी, राइट, जिसके बेसिस पे हमने आइडियल गैस बिहेवियर जो है डिराइव किया था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। और दूसरा जो एजम्पशन था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है और इनके बीच में जो स्पेस होता है, इनका जो इंटर एटमिक या इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। राइट, यानी इनके बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी मान लीजिए इस तरह का आपने कंटेनर लिया हुआ है, राइट, और उसके अंदर जो हैं दो पार्टिकल्स हैं, दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, आई मीन एक जो है पार्टिकल आपका ऑक्सीजन का हो गया, मान लीजिए ग्रीन कलर का पार्टिकल है, ये ऑक्सीजन का हो गया, और दूसरा जो पार्टिकल है वो ब्लू कलर का है, वो नाइट्रोजन का हो गया। तो काइनेटिक मॉलिकुलर थियरी के हिसाब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी होगी कि ना नाइट्रोजन को पता होगा कि ऑक्सीजन है उसके कंटेनर में, ना ऑक्सीजन को पता होगा कि नाइट्रोजन है। तो दोनों जैसे पहले कोलाइड करते थे, दोनों जैसे पहले टकरा रहे थे, जिस रेट से टकरा रहे थे और जितने पार्टिकल्स टकरा रहे थे, वैसे ही वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी वजह से जो टोटल प्रेशर आता है, वो दोनों के प्लस करने पे जो प्रेशर आता है, एग्जैक्टली उतना आएगा। बिकॉज दोनों ही पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहले जो प्रेशर एग्जर्ट करते थे, पहले जितनी टक्कर हुआ करती थी, पहले जितने कोलिजन हुआ करते थे दीवार से, उतने ही हो रहे हैं। इसीलिए प्रेशर जो आ रहा है, वो सीधा सीधा दोनों के प्रेशर को प्लस करने पर जो आंसर आता है, उसके बराबर आ रहा है। अब एक चीज़ जो आपको दूसरी याद रखनी है कि डाल्टन्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो मान लीजिए अगर आपने दो ऐसी गैसेस ली हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, मान लीजिए आपने ले लिया है NH3+ HCl जो कि रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NH4Cl, तो ऐसे गैस के लिए जो है डाल्टन्स लॉ किसी काम का नहीं है। बिकॉज जब दो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, या तो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगी, और उससे क्या होगा, कोलिजन जितने होने चाहिए उतने नहीं होंगे, और अगर कोलिजन कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखना कि डाल्टन्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर आपकी गैसेस रिएक्ट करती हैं, जैसे कि NH3+ HCl, तो जो है डाल्टन्स लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे H2+ N2 हो गया,
ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, ओ टू प्लस एन टू हो गया ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, हीलियम प्लस एन टू हो गया ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, इन सब के लिए डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन एक भी आपके पास अगर ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें गैसेज रिएक्ट करती हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए डाल्टन्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब एक छोटा सा डेरीवेशन मैं बताता हूँ जो काम का है, तो वो जो डेरीवेशन है वो ये है कि पी ओ टू इक्वल्स टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू। अब देखिए आपके पास जो है वो टोटल प्रेशर है, लेकिन अब टोटल प्रेशर के अंदर दो प्रेशर हैं, ऑक्सीजन का खुद का प्रेशर है प्लस नाइट्रोजन का खुद का प्रेशर है। तो जो खुद का प्रेशर होता है आपका टोटल प्रेशर में जो आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहा जाता है आपका पार्शियल प्रेशर। क्या कहा जाता है? पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन का जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और उसी तरह से होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये चीज़ हमें डिराइव करनी है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या होगा? टोटल प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो चलिए ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का जो है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से क्या इक्वेशन बनेगा? तो प्रेशर ऑफ ओ टू इज गोइंग टू बी मोल ऑफ ओ टू आर टी बाय वी। ये हो गया ऑक्सीजन का इक्वेशन। नाइट्रोजन का इक्वेशन अगर बनाए तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एन टू आर टी बाय वी। और यही अगर हम टोटल प्रेशर लें, जैसे इस केस में हमने दोनों गैसेस को मिक्स किया है, अगर हम टोटल प्रेशर लें तो क्या होगा? सो हमको पता है पी टोटल जो है वो होगा पी ओ टू प्लस पी एन टू। अब पी ओ टू क्या है? तो पी ओ टू है, पी ए टू की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से लेंगे, राइट। ये जो है हमारे पास वैल्यू पी ओ टू की वो हम यहाँ से लेंगे ये। सो पी ओ टू जो है उसकी वैल्यू क्या है? मोल्स ऑफ ओ टू इंटू आर टी बाय वी प्लस पी एन टू क्या है? तो वो है मोल्स ऑफ एन टू आर टी बाय वी। सो इसका मतलब है आपका इक्वेशन बना मोल्स ऑफ ओ टू प्लस मोल्स ऑफ एन टू इंटू आर टी बाय वी। ये जो है आपका पार्ट है टोटल प्रेशर के लिए। किसके लिए? टोटल प्रेशर के लिए। अब चलिए हम सीधा सीधा रेशियो लेते हैं, राइट। मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ, पी ओ टू जो है वो आपका है मोल्स ऑफ ओ टू आर टी बाय वी, और जो आपका पी टोटल आया वो आया मोल्स ऑफ ओ टू प्लस मोल्स ऑफ एन टू इंटू आर टी बाय वी। हमें सीधा सीधा रेशियो लेना है, सीधा सीधा रेशियो लेना है प्रेशर ऑफ ओ टू अपॉन टोटल प्रेशर, राइट। तो प्रेशर ऑफ ओ टू क्या है? तो वो है एन ऑफ ओ टू मोल्स ऑफ ओ टू इंटू आर टी बाय वी। और टोटल प्रेशर क्या था? तो वो था मोल्स ऑफ ओ टू प्लस मोल्स ऑफ एन टू आर टी बाय वी, राइट। तो क्योंकि गैस जो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, वो ऑब्वियसली जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो अब ये बच रहा है पी ओ टू अपॉन पी टोटल इक्वल्स टू एन ओ टू अपॉन एन ओ टू एन एन टू। अभी देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स, बिकॉज हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और दोनों के मोल्स दिए हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? टोटल मोल। तो एक चीज़ याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल यानी जो आपका खुद का मोल है अपॉन टोटल मोल, ये जो रेशियो है इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, इसे जो है कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। सो द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ओके, सो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जो साइन है वो एक्स है। किसका मोल फ्रैक्शन है? ऑक्सीजन का। और पी टोटल जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ आके, राइट। तो ये हो जाएगा इनटू पी टोटल। ये है आपका सिंपल सा डेरिवेशन कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। उसी तरह से अगर हम एन टू का बनाएं तो एन टू का होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू इनटू टोटल प्रेशर, राइट। तो ये था हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। क्योंकि जो खुद का आपका प्रेशर होता है मिक्सचर के अंदर उसे आपका पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, और डाल्टन लॉ की मदद से हम पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा गया डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। मैंने आपको डाल्टन्स लॉ की लिमिटेशन भी बताई है कि डाल्टन्स लॉ ऐसी गैसेस के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, राइट। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब जो अगला हमारा लॉ है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो ये लॉ हम समझें, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आपको समझा दूँ डिफ्यूजन क्या है. तो मान लीजिए आपके घर में किसी ने अगरबत्ती जलाई एक रूम में, तो आपको पता है थोड़ी देर में उसकी जो स्मेल है वो बाकी के रूम्स तक भी पहुँच जाती है, बिकॉज गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. और ये डिफ्यूजन किस तरह से काम करता है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसको ग्राहम ने स्टडी किया और फिर उन्होंने दिया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. अब मैं बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मान लीजिए दो लोग हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, राइट, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 1 किलोमीटर है, और दो लोग हैं, एक जो है बंदा है गेंडुल और एक जो बंदा है वो है लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी. गेंडुल जो है वो 100 किलो का है, लकड़ी जो है वो 40 किलो का है, और ऐसा नहीं कि ये वीक है, फिट है मतलब, राइट. तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कि दोनों को जो है वो 30 मिनट दी गई है, 30 मिनट्स दी गई हैं, तो 1 किलोमीटर के अंदर कौन जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो है जवाब होगा वो क्या होगा, लकड़ी, बिकॉज उसका वेट जो है वो कम है, वो फिट भी है, तो डेफिनेटली एक मोटे बच्चे के मुकाबले वो जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा अगर दोनों को सेम टाइम दिया जाए. तो उसी तरह से मान लीजिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और यहाँ से दो गैसेज रिलीज की गई, HCl और NH3, और सेम टाइम है, मान लीजिए 30 मिनट्स है, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो जैसे ऊपर हमने देखा कि जिसका वेट ज़्यादा था वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, जो हल्का था वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, गैस के मामले में भी वही सेम चीज़ है, जो हल्की गैस है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जो हल्की गैस है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और जो भारी गैस है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी. तो ऑब्वियसली अगर आप देखो तो मैंने दो लाइन दिखाई, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है. ब्लैक दिखा रही है ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया गया है, ब्लू दिखा रही है कि कम डिस्टेंस कवर किया गया. आइए अब मॉलिकुलर वेट देखते हैं. HCl जो है उसका मॉलिकुलर वेट होता है 36.5, और अमोनिया जो है उसका मॉलिकुलर वेट है 17 ग्राम. यानी ऑब्वियसली इन दोनों गैसेस में से ज़्यादा हल्की कौन है, अमोनिया. तो जो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी वो गैस कौन सी होगी, अमोनिया, राइट. और ये जो ग्रीन कलर की गैस ऑब्वियसली वो कौन सी होगी, HCl, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अमोनिया का मॉलिकुलर वेट कम है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. दिस इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो ग्राहम्स ने जब अलग अलग गैसेस को स्टडी किया तो उसने ये फाइंड किया कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को ना वेलोसिटी के हिसाब से ले सकते हो, जैसे वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे हम R बोलते हैं, इज वॉल्यूम कवर्ड बाय गैस अपॉन गिवन टाइम. तो गिवन टाइम कोई गैस कितना वॉल्यूम कवर करती है उसे कहा जाता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो डाल्टन ने जब बेसिकली ये चीज़ स्टडी की तो उन्होंने एक सिंपल रिलेशनशिप फाइंड किया कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, राइट, वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस. यानी जो गैस ज़्यादा डेंसिटी वाली होगी, राइट, ज़्यादा डेंसिटी वाली होगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जिस गैस की डेंसिटी कम होगी, राइट, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. ये जो है रिलेशनशिप ग्राहम्स ने डिराइव की, राइट. अब मान लीजिए आपके पास जो है H2 गैस है और N2 है, और उन दोनों के हम डिफ्यूजन रेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये होगा डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन अगर कंडीशंस जो हैं STP हैं, तो आपको पता है अगर मोल्स अगर हम सेम लेते हैं तो दोनों ही जो गैसेज हैं STP पे वॉल्यूम जो है वो सेम ऑक्यूपाई करेंगी. यानी H2 का जो वॉल्यूम होगा that will be equal to the volume of N2. Now density जो है वो क्या होता है, density is nothing but mass upon volume. तो गैस का जो मास होता है वो क्या होता है, वो उसके मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, that is equal to its molecular mass. तो
हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एच टू अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन टू इज मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, और ये आएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो क्योंकि दोनों के वॉल्यूम यहाँ पे देखे हमने सेम है, दोनों के वॉल्यूम जो हैं वो सेम है, एसटीपी में हैं, दोनों ही सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो दोनों के वॉल्यूम जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नया इक्वेशन बन के आता है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एच टू अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन टू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिकुलर मास ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिकुलर मास। तो इस तरह से जो है एक नया इक्वेशन बना जो कि ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है। ओके, सो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना, दैट इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो यूजुअली जो हल्की गैस होंगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, जो भारी होंगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, आपको टाइम जो है वो सेम देना पड़ेगा, राइट। सो मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है, ग्राहम्स ने जो ये चीज़ फाइंड की कि कोई भी गैस कितना फैलती है गिवन टाइम में, वो क्यों उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो देखिए जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक लड़का जो है वो बेसिकली दौड़ रहा है, जो पतला है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जो गैस होती है ना वो कॉन्स्टेंटली, गैस जो होती है उससे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और वो इस तरह से मूव करती है, सारे पार्टिकल जो हैं वो एक साथ मूव करते हैं, वो सारे पार्टिकल जो हैं वो एक साथ मूव करते हैं। तो किसी एक पार्टिकल के मॉलिकुलर मास से ये डिसाइड नहीं होता कि वो कितना तेज़ी से आगे जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स एक साथ मूव करते हैं। और आपको पता है वो पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार टकराते रहते हैं, वो क्या होते हैं, लगातार टकराते रहते हैं। दिस पार्टिकल्स दे कोलाइड कॉन्स्टेंटली। अब जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा ये पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी लूज़ करेंगे, और अगर एनर्जी लूज़ की उन्होंने तो जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली कोलिजन जो है कब होगी, कोलिजन ज़्यादा कब होगी, जब ज़्यादा डेंसिटी होगी यानी गैस फैली हुई होगी, या कोलिजन तब ज़्यादा होगी जब कम डेंसिटी होगी यानी पार्टिकल्स जो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो ऑब्वियसली इस केस में जो है डेंसिटी हाई है, और इस केस में जो है डेंसिटी लो है। तो जो लो डेंस गैस है उनके पार्टिकल्स के बीच में टक्कर कम होगी, टक्कर कम होगी तो वो कम एनर्जी लूज़ करेंगे और वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर आपकी गैस की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो उसके पार्टिकल्स नज़दीक हैं, वो ज़्यादा टकराएंगे एक दूसरे से और वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। इसीलिए जो ज़्यादा डेंसिटी वाली गैस होती है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कम वाली ज़्यादा करती है, और फिर वो जो है डेफिनेटली उनके मॉलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरह से जो है एक स्ट्रक्चर लिया गया है, यहाँ से जो है वो HCl गैस को रिलीज़ करते हैं और यहाँ से वो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों गैसेस रिएक्ट करती हैं, HCl प्लस NH3 जो है NH4Cl बनाता है। अब ये दोनों ही गैसेस कलरलेस हैं, लेकिन ये जो NH4Cl वाला जो कंपाउंड है वो वाइट कलर का है। तो जब आप यहाँ से HCl को रिलीज़ करोगे और यहाँ से अमोनिया को रिलीज़ करोगे, दोनों जिस जगह पर मिलेंगे वहाँ पर NH4Cl बनेगा और वाइट कलर का धुआं आपको दिखाई देगा। अब सवाल ये पूछने में आता है कि जो धुआं होगा किसके नज़दीक होगा, HCl के नज़दीक होगा या NH3 के नज़दीक होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हल्की गैस है वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी, तो ऑब्वियसली HCl जितना ट्रैवल करेगी उससे कहीं ज़्यादा ट्रैवल करेगी अमोनिया। यानी अगर HCl जब तक यहाँ तक पहुँचेगी तब तक NH3 यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, HCl जब तक यहाँ तक पहुँचेगी तब तक NH3 यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, और एग्जैक्टली जो है यहाँ कहीं पे जो है आपको वाइट जो है फ्यूम्स दिखाई देंगे, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, राइट, बिकॉज ये जो इलाका है ये HCl के नज़दीक है और NH3 से दूर है। ऑब्वियसली क्योंकि NH3 ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो जो दोनों का मिलन होगा वो NH3 से दूर होगा और HCl के नज़दीक होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इतना आगे आएगी तब तक ये यहाँ तक आ चुकी होगी, राइट, क्योंकि ये हल्की है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, ये भारी ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, और एक पॉइंट पर जो है दोनों मिलेंगे और आपको क्या मिलेंगे, वाइट फ्यूम्स। लेकिन ऑब्वियसली वाइट फ्यूम्स किसके नज़दीक मिलेंगे, HCl के, क्योंकि वो भारी है। तो हमेशा याद रखना दो गैसेस जो हैं वही मिलेंगी, किसके नज़दीक मिलेंगी, भारी गैस के नज़दीक मिलेंगी, बिकॉज हल्की गैस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगी तो उससे जो मिलन होगा वो दूर ही होगा। तो ये था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट, जिसका इक्वेशन पहला डेंसिटी वाला था, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ 2N1, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर दूसरा इक्वेशन आया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास, जो मैंने आपको आगे दिखाया था, प्लस रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सो वॉल्यूम कवर्ड बाय गैस वन
अपॉन टाइम टेकन बाय गैस वन, फिर ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय गैस टू अपॉन वॉल्यूम कवर्ड बाय टाइम वॉल्यूम कवर्ड बाय गैस टू इक्वल्स टू एम टू बाय एम वन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी ना रेट ऑफ डिफ्यूजन ना पूछ के वो आपको वॉल्यूम पूछते हैं। एक या तो वो आपको वॉल्यूम पूछेंगे या तो आपको टाइम पूछेंगे। अगर वॉल्यूम पूछेंगे तो हमेशा आपको टाइम सेम लेना है, और अगर आपको टाइम पूछा है तो हमेशा वॉल्यूम सेम लेना है। ये हमेशा याद रखना, वॉल्यूम पूछा है तो टाइम सेम लेना है, टाइम पूछा है तो वॉल्यूम सेम लेना है। और कभी कभी वॉल्यूम की जगह पर वो आपको डिस्टेंस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर दिया होगा तो ये हो जाएगा डी वन बाय डी टू इंटू टी टू बाय टी वन इक्वल्स टू अंडर रूट एम टू बाय एम वन। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो तीन फार्मूला है, एक तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी वाला है, फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिकुलर मास वाला है, फिर वॉल्यूम और टाइम और मॉलिकुलर मास वाला है, और डिस्टेंस और टाइम और मॉलिकुलर मास वाला है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना जो मैंने बताई आपको, कि वॉल्यूम अगर पूछा हो, अगर वॉल्यूम पूछा हो तो टाइम जो है वो सेम लेना है, दोनों ही गैस, यानी टाइम और टाइम कट हो जाएगा। अगर टाइम पूछा है तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कट हो जाएंगे। सो दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट डाल्टन अरे ग्राहम्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ, कि ग्राहम्स लॉ रियलिटी में कहाँ पे यूज़ हुआ था। सो बेसिकली जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो दो बम गिराए गए जिनका नाम था फैट मैन बिग बॉय ऐसे कुछ करके नाम था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, राइट। सो वो जो बॉम्ब गिराए गए उसके अंदर डेफिनेटली यूरेनियम जो है वो यूज़ हुआ था, और जो यूरेनियम यूज़ हुआ था फिशन के लिए उसको बनाने में जो है बहुत मुश्किलें आई थी, जिसके अंदर एक्चुअली ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज़ हुआ था। तो यूरेनियम जो है ना उसके दो मेन आइसोटोप हैं, ऐसे तो और भी आइसोटोप हैं लेकिन जो दो मेन हैं वो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, राइट। जो जो 235 है वो जो है वो फिशाइल है, यानी सीधा सीधा आप उसका फिजन कर सकते हो, यानी अगर आप इसको न्यूट्रॉन दोगे तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और चेन रिएक्शन शुरू कर देगा, और उससे फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी जिससे आप देश या किसी भी शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हो। लेकिन यूरेनियम 238 जो था वो था फर्टाइल, यानी खुद उसका फिजन नहीं होगा। अगर आप उसको न्यूट्रॉन देते हो तो फिजन तो होता है, लेकिन बाद में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी स्पीड इतनी कम होती है कि चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो सीधा सीधा आप इसका यूज़ नहीं कर सकते बॉम्ब में, लेकिन हाँ न्यूट्रॉन देने के बाद ये एक नया मटेरियल बनाते हैं, ये एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं जो फिशाइल होता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो खुद फिशाइल नहीं होती लेकिन उनमें से निकलने वाली चीज़ें फिशाइल होती हैं, ऐसी चीज़ों को फर्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्टाइल। लेकिन जो चीज़ें सीधा जिन चीज़ों का फिशन हो सकता है, यानी न्यूट्रॉन देने पे उनमें चेन रिएक्शन चालू हो जाए, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है फिशाइल। तो हमारे काम का उनके काम का जो बॉम्ब बना रहे थे उनके काम का यूरेनियम 235 था, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो सिर्फ 0.37% होती है, और इसकी जो मात्रा होती है वो डेफिनेटली 99.3% होती है, लेकिन काम का जो है वो ये था। तो किस तरह से इन दोनों को अलग किया जाए वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पे जो है फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यूज़ किया गया। तो बेसिकली यूरेनियम का जो मिक्सचर होता है 235 और 238 उसको रिएक्ट कराया गया फ्लोरीन से। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये गैस बनाते हैं यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड 235, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड 238। क्योंकि अब ये जो हैं दोनों ही गैस हैं तो ये जो हैं अब डिफ्यूज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप देखो तो इन दोनों के मास में बहुत कम फ़र्क है। तो अगर आप छोटी सी जगह में से इनको पास करोगे तो कभी भी आप इनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। ये कैसी बात होगी पता है? मान लीजिए दो रनर हैं, रनर ए और रनर बी, इसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आर है और इसकी जो स्पीड है वो 102 किलोमीटर पर आर है। तो जब आप इनको छोटी रेस करवाओगे ना तो दोनों ही जीत जाएंगे, दोनों ही एक साथ पहुंचेंगे। अगर वाकई में देखना है कि किसका स्टेमिना ज़्यादा है तो इनको आपको मैराथन दौड़वाना पड़ेगा। जब ये लंबी रेस दौड़ेंगे तब एक्चुअली पता चलेगा किसका स्टेमिना ज़्यादा है, और जिसका थोड़ा सा भी फ़र्क है वो भी धीरे धीरे दिखेगा और वो रेस जीत जाएगा। तो उसी तरह से क्योंकि फ्लोरीन जो थे, दोनों फ्लोरीन के जो आइसोटोप से 235 और 238, और उससे जो हमने गैस बनाई उनके मास में इतना कम डिफरेंस था कि छोटे से टनल में से अगर आप पास करते तो कभी आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते। इसीलिए उनके लिए काफ़ी बड़ी सुरंग, काफ़ी बड़ी टनल बनाई गई और वहाँ से जो है दोनों गैसेस को पास किया गया, जो है UF6 235 और UF6
238 दोनों गैसेस को पास किया गया, राइट, और दोनों ही गैसेस डिफ्यूज़ हुई, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे 235 धीरे धीरे आगे होती गई, क्योंकि जो छोटा सा मार्जिन होता है वो भी जो है वो बेसिकली प्रूव होने लगता है जब आप बहुत लंबा जो है उनको ट्रैवल करवाते हो। तो धीरे धीरे आगे की सारी गैस जो थी वो 235 थी, उसे कलेक्ट कर लिया गया। मुझे एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, बट मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। तो क्योंकि 235 ज़्यादा हल्की थी वो डेफिनेटली ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी और वो डेफिनेटली 238 से थोड़ा थोड़ा आगे निकलेगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबी सुरंग थी इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो आगे निकली और फिर आप उसको सेपरेट कर सकते थे। और क्या यू एफ से उसको आप वापस से गर्म करोगे तो वापस से वो यूरेनियम और फ्लोरिन में टूट सकती है और आप कलेक्ट कर सकते हो अपना प्योर यूरेनियम। ऐसा जो है वो ओक ब्रिज नाम की जगह पर किया गया था, जो कि यूएसए के टेनेसी शहर में है, यूएसए के टेनेसी शहर में है। ये स्पेलिंग आई गेस गलत है, आप देख लेना। ओक ब्रिज नाम का एरिया, टेनेसी, टेनेसी शायद स्टेट है, और यूएसए में बेसिकली ये जो है पूरा प्रोजेक्ट हुआ था जहाँ पर यूरेनियम के आइसोटोप्स को अलग किया गया था, राइट। सो ये था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आई होप आपको याद होगा, आई मीन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट कर सकते हैं नीचे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं ऐसे वीडियोज़ जो है वो बनाता रहूँगा आपके काम के लिए, आपके हेल्प के लिए। अब लास्ट में जो है मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है नितेश पांडे है, जैसा मैंने पहले बताया मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और मैंने ये जो है बेसिकली इसलिए चालू किया है चैनल ताकि मैं हो सके उतना केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना सकूँ, राइट, हो सके उतना डिटेल में जा सकूँ। सो ये मेरी प्रोफाइल है। 2015 में मैं नासा के साइंस एक्सप्लोरेशन फोरम के लिए सेलेक्ट हुआ था, राइट, और जो है 2015 में पिछले साल ही मैं हवाई भी गया था। मैंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पैसिफिक कैम करके कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 40 यंग साइंटिस्ट को सेलेक्ट करती है अपने अर्ली करियर केमिस्ट अवार्ड के लिए पूरे वर्ल्ड में से, और उन पूरे वर्ल्ड में से 40 सेलेक्ट हुए साइंटिस्टों में से मैं भी एक था। और मेरा जो रिसर्च पेपर था वो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में था, कि किस तरह से दूसरे ग्रह पे जीवन है वो आप केमिस्ट्री की मदद से समझा सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि लाइफ एकदम फंडामेंटल लेवल पे जो है वो केमिस्ट्री है, यानी पहले जो है हमारे पास पानी आया और फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, पता नहीं क्या केमिकल रिएक्शन हुए, आज भी वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसमें ऐसे पार्टिकल्स बने, ऐसे सॉरी मॉलिक्यूल्स बने जो अपनी कॉपी बनाने लगे, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स से जो अपनी कॉपी बनाते थे केमिकल लाइफ की शुरुआत हुई, और वहाँ से फिर बायोलॉजिकल लाइफ आई। तो वो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, मैं जो है आगे चल के आपको और भी इसके बारे में बताऊँगा, एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो 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 मच।